रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फाइनली हिट्स द सिल्वर स्क्रीन टुडे। द फिल्म मार्क्स करण जौहर्स रिटर्न टू फीचर फिल्म डायरेक्शन 7 years आफ्टर ए दिल है मुश्किल। एज नाउ द फिल्म इज रिलीज्ड, लेट्स चेक आउट सम पब्लिक रिएक्शन। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगी मुझे मूवी। इट्स अ मस्ट वॉच, इट्स अ फैमिली एंटरटेनर। और बहुत टाइम के बाद करण जौहर इज बैक। मतलब करण जौहर को का डायरेक्शन देख के इतना अच्छा लगा, वो ग्रैंड सेट्स और वो वंडरफुल प्रोडक्शन डिज़ाइन और सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी है मनुष्य नंदन की, और उसके साथ साथ एडिटिंग भी बिल्कुल ठीक है। कहीं हम लोग बोर नहीं हुए नितिन बैद की जो एडिटिंग है, और सभी किरदार आलिया भट्ट रणवीर सिंह बोथ ऑफ देम आर माइंड ब्लोइंग फिनोमिनल। और उसके साथ साथ जितने सीजनड एक्टर्स हैं जया बच्चन जी, धर्मेंद्र जी, शबाना आजमी जी। फिल्म की स्टोरी बहुत डिफरेंट है, म्यूज़िक बहुत धमाकेदार है प्रीतम का, तो तुम क्या मिले गाना हो या फिर झुमका या फिर ढिंडोरा बहुत अच्छे से शूट किया गया है। और सरप्राइज एलिमेंट जो ये मूवी का था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि डोला रे डोला पे रणवीर सिंह ने डांस किया, तो वो सब देख के बहुत अच्छा लगा। मूवी बहुत अच्छी है, फैमिली एंटरटेनर है, लर्निंग है न्यू जनरेशन के लिए, क्योंकि जो एम्बिशियस यंग जनरेशन फैमिली को उतनी वैल्यू आजकल नहीं दे पाते हैं, उसको अपने कैरियर के साथ और अपने लाइफ के गोल के साथ और कैसे मेंटेन करना है वो चीज़ इसमें दिखाया है। सी फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी है, डायरेक्शन कमाल है, परफॉर्मेंसेस कमाल है, स्पेशली आलिया एंड रणबीर दे वर ऑसम इन द फिल्म। बट मेरी प्रॉब्लम हो रही है फिल्म के स्क्रीन प्ले से, जो कि सेकेंड हाफ में ठहर गया है। एक वर्ड होता है हमारी लैंग्वेज में कन्वीनियंट स्क्रीन प्ले, कि जब जो प्रॉब्लम आई उसका सोल्यूशन पहले से रेडी है। रियल लाइफ में हमको वैसे सोल्यूशन नहीं मिलते हैं, जो इस फिल्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम बाद में आती, सोल्यूशन पहले से खड़ा है, तो वो फिल्म को ड्रैग करता है। हालांकि फिल्म के डायलॉग्स ए ग्रेड है, वर्किंग हैं, फनी हैं, एंड जहाँ इमोशनल डायलॉग्स की जरूरत है वो बहुत ही कमाल डायलॉग्स है। हाँ जी, देखिए रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देख के आज का दिन सुधर गया ऐसा लग रहा है। सुबह 8 बजे का शो, इतना बारिश, छाता लेके निकलना पड़ा, उसके बाद भी पिक्चर में बहुत मजा आया। बहुत प्यारी लगी, बहुत मजा आया। रणवीर और आलिया की फिल्म बहुत अच्छी है, देखने लायक है, फैमिली के साथ आप इस फिल्म देख सकते हो। और करण जौहर की फिल्म है तो ड्रामा, रोमांस सब कुछ देखने मिलेगा। फर्स्ट हाफ अगर आप देखेंगे ना तो वो ऐसा एंटरटेन है, और उसके बाद आप देखेंगे तो थोड़ा इमोशनल भी है। तो मतलब करण जौहर की फिल्म है तो ड्रामा तो है ही है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आई मीन ये तो अच्छी से अच्छे के अलावा कुछ शब्द होता तो मैं उसको एक्सप्रेस करता यहाँ पे। फिल्म बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एक फिल्म में आप इंगेज हो जाओ और इतनी लंबी फिल्म में इंगेज हो जाओ, तो उसने उस फिल्म में कुछ तो है जो हम लोगों ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। Now let's see how many stars they gave the movie. 4 stars. 4. 2.5 star and आधा star आलिया भट्ट के लिए, यानी कि 3 star, because आलिया बहुत खूबसूरत लगी है। ओवरऑल इस मूवी को देखिए, इंटरटेनमेंट है, ड्रामा है, लास्ट में थोड़ा रुलाता भी है, हंसाता भी है, सब कुछ है, इसलिए 4.5 स्टार दूंगा। 4 star देना चाहूँगा। 3. More than 5 if I had to. INS Report.